चलो शॉर्ट आंसर शुरू किया था इसमें एक दो क्वेश्चन डील भी किया था तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही पहला क्वेश्चन कहता है इज ए वैक्टर नेसेसरली चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल तो जब भी एंगल से हम लोग रोटेट कराएंगे तो ऑब्वियसली वैक्टर चेंज करेगा क्योंकि तो इसका डायरेक्शन भी चेंज करेगा तो सिंपली मान लो कि हम एक एग्जाम्पल ले लें एक वैक्टर सपोज ए अब इसको रोटेट करा दिया इनिशियली यहां पर था ये अब इसको रोटेट करा दिया तो एंगल थीटा बन गया इसका मतलब है कि मे बी एक्स डायरेक्शन इट मे बी अलोंग जेड डायरेक्शन इसका मतलब डायरेक्शन चेंज कर गया तो वैक्टर भी चेंज कर जाएगा नंबर वन था अब कहता है सेकेंड में इज इट पॉसिबल टू एड टू वैक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीच्यूड एंड गेट जीरो तो यहां पर दो वैक्टर का अनइक्वल इक्वल मैग्नीच्यूड है मैग्नीच्यूड क्या है दोनों का डिफरेंट है तो डिफरेंट वैक्टर को जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में ये दोनों वैक्टर का मैग्नीच्यूड इक्वल होगा अभी नहीं है, जीरो होगा मान लो कि P का मैग्नीट्यूड फोर यूनिट और Q का मैग्नीट्यूड थ्री है तो फोर माइनस थ्री नॉट बी जीरो तभी जीरो होगा जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा ठीक अब कहता है, इज इट पॉसिबल टू ऐड थ्री वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो यदि दो वैक्टर का रिजल्टेंट थर्ड के एंटी पैरेलल हो जाए तो जीरो हो जाएगा ऐसे मान लो कि दो वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे अब ये दोनों का रिजल्टेंट इधर हो और थर्ड वेक्टर इधर हो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरल हो जाए तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट विल बी जीरो तो ये क्या कंडीशन आएगा तो ये दोनों 120 पर हो ये भी इसके साथ 120 हो ये भी इसके साथ 120 हो तो यहां पर जैसे मान लो सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट एफ आर जो इसके अलोंग हम लोग एज्यूम कर रहे एफ आर ये क्या बन जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस वन ट्वेंटी तो ये आ जाएगा टू एफ एक्वायर प्लस टू एफ एस स्क्वायर कॉस वन ट्वेंटी माइनस वन बाई टू इट बिकम एफ स्क्वाजिकल टू एफ एफ आर एफ एंटी पैरल हो गए रिजल्टेंट विल बी जीरो क्लियर चलो तो ये मैंने प्रीवियस क्लास ये बता दिया था क्वेश्चन नंबर थ्री

फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट जीरो क्योंकि एक्सलेशन भी उसका जीरो होगा ठीक फोर्थ में क्या कैन यू एड थ्री यूनिट वैक्टर टू गेट ए यूनिट वैक्टर बिल्कुल तीन यूनिट वैक्टर को हम लोग एड करके एक यूनिट वैक्टर ले सकते हैं कहते हैं डस योर आंसर चेंज इफ टू यूनिट वैक्टर्स आर एलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस सिंपली देखो ध्यान से जैसे ही आपने प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि एक्स के डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर और निगेटिव में माइनस आई कैप और वाई में जे कैप अब इन सब का रिजल्टेंट निकालो तो ये आई, मानस आई हो जाएगा प्लस जे कैप इसका मतलब इन तीनों को हमने ऐड करके एक यूनिट वेक्टर ले लिया ठीक है प्रीवियस क्लास का था ही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए तब तक जस्ट ए मिनट क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए चलो क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा डिले हो गया क्या था कैन वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच आर नॉट वैक्टर्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करेंट प्रेशर टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है लेकिन उनका यूनिक डायरेक्शन होने के कारण से वो सारे क्वांटिटी क्या है स्कैलर है क्योंकि तो उनको ऐड करने के लिए लॉज ऑफ अल्जब्रा इस्तेमाल करते हैं ठीक यही हमने फिफ्थ का एक्सप्लेनेशन लिखा है अब सिक्स कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स इज मोर अप्रोप्रिएट इस दोनों में से कौन अप्रोप्रिएट है कहता है टू फोर्सेस आर एडेड यूजिंग ट्राइंगल रूल बिकॉज फोर्स इज अ वैक्टर क्वांटिटी ठीक है ये बिल्कुल फोर्स इज अ वैक्टर क्वांटिटी बिकॉज टू फोर्सेस आर एडेड यूजिंग ट्राइंगल लॉ ये नहीं हो सकता ना कि यदि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी दब बना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों एट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे कर रहा है एड करने के लिए तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा ये टू फोर्सेस आर एडेड यूजिंग ट्राइंगल लॉ इसलिए फर्स्ट टर्म ज्यादा अप्रोप्रिएट है फर्स्ट ऑप्शन मतलब ए चलो क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कैन यू एड टू वैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट ए मिनट्स अच्छा कैन यू एड टू वैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट डायमेंशन कभी भी नहीं हो सकता फोर्स का डायमेंशन अलग है एक्सरेशन का डायमेंशन अलग है फोर्स एक्सरेशन को कभी भी आप एड नहीं कर सकते ठीक कहता है कैन यू मल्टीप्लाई टू वैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट पहला लाइन को समझो बहुत इंपॉर्टेंट सेवन कहता है कि दो वैक्टर है मान लो एक फोर्स वैक्टर है एक एक्सोलेशन एक वैक्टर है फोर्स का यूनिट बाई न्यूटन न्यूटन यूनिट से भी देख लो डायमेंशन पता चल जाएगा इसका बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या ये दोनों को आप ऐड कर सकते कभी नहीं ऐड कर सकते ठीक तो ये मैं लिखा नो वी कैन नॉट ऐड टू वैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट है अब कहता है कि कैन यू मल्टीप्लाई टू वैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटीज है डिफरेंट डायमेंशन बिल्कुल कर सकते हैं दो वैक्टर जैसे मान लो हम लोग पढ़ते थे टॉर्क तो टॉर्क क्या हो गया पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर देखो सारे डिफरेंट है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी ये भी डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट वैक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिफरेंट वैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं समझ तो में आ गया क्वेश्चन नंबर एट कहता है नोट कर लो इसको फिर क्वेश्चन नंबर एट पर आए सेवन तक हो गया हो गया अच्छा हो गया ये टॉर्क है ये लीनियर वेलोसिटी, जिसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर मोमेंटम अब क्वेश्चन नंबर एट क्या कैन अ वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलोंग ए लाइन एंड स्टिल हैव नॉन जीरो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली जैसे मान लो कि हम एक पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का लिख रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट टू जीरो है ऑब्वियसली इसका पोजिशन वैक्टर क्या हो गया एक्स के अलॉन्ग क्या हो गया टू यूनिट वाई के अलॉन्ग कितना हो गया जीरो कंपोनेंट वाई एक्सिस और मैग्नीच्यूड अलॉन्ग एक्स एक्सिस अब इसका मैग्नीच्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा रूट टू के स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर इट बिकम्स टू तो ये फाइनली क्या दे दिया नॉन जीरो मैग्नीच्यूड इसलिए इसका मैग्नीच्यूड क्या होगा नॉन जीरो हो जाएंगे हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लेट ये यह या सिंपली इसको साई भी कहते हैं तो कहता है कि यहां पर दो एंगल है और ये एंगल ए वेक्टर और मानस ए वेक्टर के साथ विथ पॉजिटिव एक्सेस तो दैट टैन साई वन इज़ इक्वल टू सॉरी साईवन नहीं इनफैक्ट एप्सलिन साई ऐसे होता है पाई ऐसे होता है कहलाता ई पी एस आई एल ओ एन एप्सलैन कहता है कि ए वैक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ए वैक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वन एंगल फॉर्म कर रहा है माइनस ए वैक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑब्वियसली ये माइनस ए वैक्टर जिसके डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये भी अबसेलिन सॉरी एफसेलिन टू एंगल फॉर्म कर रहा है तो देखने ही से लग रहा है ये दोनों एंगल इक्वल और इस दोनों क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक किया फिर से रिड्रॉ कर दे रहे और टच हो जाता है बहुत सेंसेटिव है ये अब्सलन वन नेगेटिव वैक्टर अप्सलेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है टेन पॉजिटिव दोनों एंगल इक्वल इसलिए टेन ऑफसेलिन वन इज इक्वल टू टेन ऑफसेलिन टू यही कहता हो गया इरेस करें टीबीएक्सेसिस के साथ एब्सेलेन वन हाँ तो एब्सेलेन वन ये बना रहा तो ऐसे एंगल बनेगा एब्सेलेन टू ऐसे बनेगा ऐसे नहीं न ले सकते पॉजिटिव ऑब्वियसली ये डायरेक्शन जब भी हो तो ये लाइन को ड्रॉ कर दिया बिना लाइन के ड्रॉ करके कैसे बनाओगे ये आप अपने मन से हम कुछ नहीं कर सकते यह सिक्वेंस बनता है एंगल ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अब आप ऐसे बना दीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा नॉट फिजिबल इसलिए कि आपने जो वेक्टर को यह डायरेक्शन बदला तो इसका विद पॉजिटिव रेफरेंस क्या है यह आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है अब आप यहां पर आगे निगेटिव वैक्टर तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां आ गया इसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे हो गया चलिए, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ये ये देख लीजिए एप्सलन वन एफसेलन टू अब कहता है इज द वैक्टर सम ऑफ द यूनिट वैक्टर आई कैप एंड जे कैप ए यूनिट वैक्टर सिंपली हम ले ले मान लो i कैप प्लस जे कैप उसका रिजल्ट निकालो i कैप प्लस जे कैप हमने कोई r वेक्टर ले लिया ठीक r वेक्टर ले लिया i कैप प्लस जे कैप दोनों के बीच एंगल कितना इन दोनों के बीच एंगल कितना 90, कॉस 90 फुट कर दिया क्या आगे रिजल्ट रूट टू टू रूट टू अब कहता है कि इज द वैक्टर सम ऑफ द यूनिट वैक्टर क्या यूनिट आ रहा है नहीं ठीक नो इफ नो कैन यू मल्टीप्लाई दिस सम जब नो no है तो इस ये जो रिजल्टेंट ये जो सम है इसको हम किसी स्कैलब नंबर से मल्टीप्लाई करके यूनिट ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं वन बाई रूट टू से मल्टीप्लाई कर दें। यदि इसका रिजल्टेंट फाइव आता तो वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई करके यूनिट ले लेते हैं। आया समझ में यूनिट हमको कब मिलेगा जब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लेट ए वैक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप राइट फोर वैक्टर्स बी सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी बट ए इज इक्वल टू बी मतलब वैक्टर इक्वल नहीं होंगे अनइक्वल लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए तो सिंपल इसका मैग्नीच्यूड निकालो कितना आया फाइव तो जितने भी है सब कंबिनेशन बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन में मैग्नीच्यूड जो बना वो फाइव बना तो कितने पॉसिबल कंबिनेशन हो सकते हैं माइनस थ्री कर दो माइनस फोर जे कर दो और क्या बन सकता है थ्री जे कर सकते हो फोर के कर सकते हो और क्या बन सकता है बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे थ्री आई प्लस फोर के बन सकता है इतने कॉम्बिनेशन जिसका मैग्नीच्यूड हमको ए के मैग्निच्यूड के बराबर हो जाए और भी आ, फोर दे प्लस थ्री के इतने कॉम्बिनेशन हो गए यही है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कैन यू हैव ए वैक्ट क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी सिंपल है ए क्रॉस बी वैक्टर क्रॉस वैक्टर 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 डॉट वैक्टर तो वैक्टर इज नॉट इक्वल टू स्केलर लेफ्ट साइड वाला क्रॉस प्रोडक्ट वैक्टर देगा राइट right साइड वाला स्केलर देगा ठीक कहता है व्हाट इफ वन ऑफ द टू वेक्टर्स इज जीरो यदि एक वैक्टर जीरो हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दोनों साइड हमारा जीरो हो जाएगा हो गया चलो क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहता इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो कैन यू से दैट इज इक्वल टू बी ए क्रॉस जीरो बी मतलब जीरो थीटा इज इक्वल टू जीरो ए बी साइन थीटा तो थीटा जीरो का मतलब पैरल और एंटी पैरल यही मतलब है तो पैरल का मतलब दो वेक्टर क्या होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और पैरल हो जाए ठीक एंटी पैरल का मतलब क्या होगा अनइक्वल मैग्नीट्यूड ठीक तो यहां पर कहता है कि थर्टीन में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो कैन यू से दैट ए इज इक्वल टू बी ए बी के बराबर तभी होंगे जब इक्वल मैग्नीट्यूड का हो जाए और पैरेलल हो जाए ए इज नॉट इक्वल टू बी इसका मतलब क्या हुआ अनईक्वल मैग्नीच्यूड या एंटी पार्लर अन इक्वल मैग्नीच्यूड और एंटी पार्लर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन कहता है लेट ए वैक्ट्रिसकल टू फाइव आई कैप प्लस फोर जे माइनस फोर जे कैप एंड बी वैक्ट्रिकल टू माइनस सेवन पॉइंट फाइव आई कैप प्लस टू के टाइम्स कोई भी मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर से ए को मल्टीप्लाई करो तो बी का वैल्यू कितना भाई माइनस सेवन पॉइंट फाइव आई कैप प्लस सिक्स जे कैप ए कितना है फाइव इसको मल्टीप्लाई करके उसके बराबर ला सकते हो बिल्कुल आ सकते हो बी वैक्टर पहले लिखो तो माइनस सेवन पॉइंट फाइव आई कैप प्लस सिक्स जे कैप इज इक्वल टू के टाइम्स तो के हम और यहां पर क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो माइनस वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर दो देखो ये आ गया इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस सेवन पॉइंट फाइव आई कैप इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ गया प्लस सिक्स जे कैप इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बी वैक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए वैक्टर हो गया अब कहता है कि कैन वी से ए बाई सर सॉरी बी वैक्टर बाई ए वैक्टर इज इक्वल टू के कभी बी बी वैक्टर टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते वेक्टर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल हो गया चलो अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव वन कहता है वैक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्ररी एंगल कहता है एक वैक्टर कभी भी चेंज नहीं करेगा यदि रोटेट करा दे आर्बिट्री एंगल एंगल से रोटेट कराएंगे तो वेक्टर विल बी चेंज ठीक इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा ठीक कलर बदल लेते हैं एक एक पार्ट को देखते हैं इट इज मल्टीप्लाइड बाई एन आर्बिट्री स्केलर। ए वैक्टर मान लो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 पॉइंट फाइव ए वन तो चेंज हो जाएगा इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर सपोज फोर आई कैप क्रॉस जे कैप तो आई क्रॉस जे के डायरेक्शन बदल गया इट इज स्लाइड पैरल टू इट सेल्फ ऑब्वियसली पैरल टू इट सेल्फ एक वेक्टर है अब इसको स्लाइड कर दिया दूसरे वैक्ट गया स्लाइड हाँ, करके ले आया क्या हुआ मैग्नीट्यूड भी सेम रह गया डायरेक्शन भी सेम रह गया इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक क्वेश्चन नंबर टू कहता विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वैक्टर्स एडिंग टू जीरो सिंपल एक से दिमाग में आपको बिठा लेना है कि जब भी आप सम करेंगे जो स्मॉल स्मॉलर मैग्निच्यूड है उसका वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू रिजल्टेंट होना चाहिए अब इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं लिस्ट वैल्यू टू और फोर को एक साथ लो तो टू फोर क्या एट से इक्वल या ग्रेटर है नहीं तो ए ऑप्शन नहीं होगा बी आ जाओ लिस्ट को फोर प्लस एट क्या है नहीं वन और वन क्या यह कंडीशन को फुलफिल कर रहा है यस इसलिए सी ऑप्शन हो गया डी भी चेक कर ले क्या 0.5 और 1 इस क्रिटेरिया को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है इसलिए डी नहीं होंगे ऑनली सी इज पॉसिबल आ गया समझ में हट कहता द रिजल्टेंट ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए अल्फा विद ए ए और बी सपोज ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे आ इसका रिजल्टेंट हमारा ये अब कहता है मैक्स एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी ठीक कंडीशन है कि अल्फा का वैल्यू लेसर देन बी चार ऑप्शन में हम एंगल को चेंज कर दे कम कर दे तो कलर बदल लेते हैं तो एंगल अल्फा यदि कम करते हैं तो रिजल्टेंट ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ अल्फा लेस देन बीटा अल्फा लेस देन बीटा ये चारों कंडीशन है तो रिजल्टेंट क्या हुआ रिजल्टेंट यहां आ गया तो रिजल्टेंट का एंगल कम हो गया तो फॉर्मूला क्या होता है आर इज इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा तो अल्फा का वैल्यू रिड्यूस कर गया तो टूवर्ड्स कॉस जीरो डिग्री इसका मतलब कॉस का वैल्यू जीरो डिग्री पर मैक्सिमम तो अल्फा का वैल्यू जितना कम होगा उतना कॉस का वैल्यू ज्यादा तो रिजल्टेंट बढ़ जाएगा इसका मतलब ए वेक्टर क्या होगा जल्दी से बताओ लार्जर मैंग का क्योंकि लेंथ भी तो उसका बढ़ गया देखो ना यहां पहले यहां तक था अब ये ए यहां तक आ गया इसलिए ए का वैल्यू लार्जर हो जाएगा तो ऑप्शन कौन आ गया सी ऑप्शन आ गया हो गया चलो क्वेश्चन नंबर फोर द कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर इज कंपोनेंट ऑफ वैक्टर एक वैक्टर का कंपोनेंट ले लो एक वैक्टर ड्रॉ करो देखो बनेगा और उसका कंपोनेंट ले लो कुछ भी एक वैक्टर का कंपोनेंट कोई भी वैक्टर एज्यूम कर लो उसका कंपोनेंट ले लो मान लो सिंपली बहुत सिंपल ए वैक्टर ले लिया एंगल थीटा इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा अब देखो गौर से कॉस थीटा का वैल्यू लेस देन एंड इक्व टू वन वन से लार्जर तो होता नहीं अब दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई कर दो क्या कंडीशन आ गया कंपोनेंट ए कॉस थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू ए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा देखो ऑलवेज नहीं होगा ना ये ऑलवेज नहीं होगा ये कंडीशन हो ही नहीं सकता ये मे भी है इसलिए तीनों कंडीशन ऑलवेज पॉसिबल नहीं है इसलिए फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज चलो फिफ्थ चलो फिफ्थ आ जाओ ए एक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड को हम लोग जेड एक्सिस ले लें ठीक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर के कैप वर्टिकली अपवर्ड के कैप वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस के कैप एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ तो नॉर्थ को हम लोग ये मान ले, ये साउथ, ये east, ये ईस्ट, वेस्ट ये जे कैप माइनस जे कैप आई कैप माइनस आई कैप ठीक तो ए वेक्टर किधर है भाई के कैप ए पहला के कैप वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा क्या कहता है टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ के लिए क्या बना जे कैप तो के क्रॉस जे का वैल्यू बता दो आई आई का डायरेक्शन कौन सा हो गया आई का डायरेक्शन के क्रॉस जे क्या बनेगा माइनस आई माइनस आई किस डायरेक्शन में चला गया वेस्ट में ऑप्शन क्या आ गया ए क्लियर चल क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाइए द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज रेटेड एज 2.12 पॉइंट वन टू सेंटीमीटर तो ऑबियसली एरिया क्या बन गया पाईआर स्क्वायर इट इज 3.14 और रेडियस कितना 2.12 का होल स्क्वायर तो ये ऑलरेडी सिग्निफिकेंट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर को यूज कर रखा है डेसिमल के दो डिजिट तक इसलिए ऑप्शन जो भी आएगा हमारा वो डेसिमल के दो डिजिट तक होगा ऑलरेडी हम लोगों ने इसको यदि वन डिजिट तक यूज करते तो वन तक लेते तो डेसिमल के दो डिजिट तक यूज किया तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा देख लो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली टू पॉइंट वन टू एक मिनट चेक ही कर लेते टू पॉइंट वन टू मल्टीप्लायड टू पॉइंट वन टू मल्टीप्लाइड थ्री पॉइंट वन फोर इट बिकम्स फोर्टीन पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो सिग्निफिकेंट फिगर में फोर्टीन पॉइंट वन वन है लेस देन फाइव तो फोर्टीन पॉइंट वन क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर को इस्तेमाल किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हो गया ऑब्जेक्टिव वन शायद कंप्लीट हो गया अब ऑब्जेक्टिव टू पे चलिए ए सिचुएशन में बी डिस्क्राइब बाई यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएटेशन विच ऑफ़ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस बताओ किस किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ a scalar, ठीक कंपोनेंट ऑफ वैक्टर से क्या होगा चेंज कर जाएगा सी वैक्टर द मैग्निट्यूड ऑफ ए वैक्टर इसलिए बी नहीं होंगे और सारे ऑप्शन हो जाएंगे ए सी एंड डी देखो कहता सिचुएशन आपको वो लेना है जिसमें डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉर्डिनेट एक्सिस है डिफरेंट ओरिएंटेशन है सबके एंगल अलग अलग है एक्स वाइज सबके अलग अलग सबका ओरिएंटेशन आप इसको चेंज कर दो सबका अलग, अलग अलग ले लो एक ऐसे ले लिया अब ऐसे ले लो चेंज कर दिया ना विच एव द फॉलोइंग टू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएटेशन ऑफ द एक्सेस डिपेंड किस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या नहीं चेंज हो रहा है कंपोनेंट ऑफ ए वैक्टर चेंज कर रहा है कर रहा है वैक्टर तो वैक्टर जब ऑलरेडी पहले एक वैक्टर था वो थर्टी डिग्री एंगल बना रहा था अब वो एंगल क्या होगा डायरेक्शन ही बदलेगा पहले वैक्टर ऐसे थे अब ये वेक्टर ऐसे हो गए चेंज नहीं कर गया एक्सिस को बदल दिया आपने जो एक्स था वो जेडो जाग का है जो वाई था वाई का एंगल बदल गया तो डू नॉट डिपेंड ऑप्शन दूसरा है डू दू नॉट डिपेंड है चलो सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड कहता लेट सी वैक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी कहता है सी का बैगनीच्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन ए इज इट पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए सी लेस देन बी चेक करते मान लो हमने ऐसा कोई वेक्टर ले लिया ए बड़ा ले लिया ठीक बी भी बड़ा ले लिया तो ऑब्वियसली यह थोड़ा सा ऐसे कर दे ए वेक्टर ठीक बी वेक्टर अस्सी ऐसा ले लिया बताओ रिजल्टेंट क्या आएगा अंडरउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस सीटा ठीक अब फिगर को ऐसे ही देखो ए का मैग्नीट्यूड सी से ज्यादा लग रहा है बी का मैग्नीट्यूड सी से ज्यादा लग रहा है लग रहा है तो इस कंडीशन में सी का वैल्यू ए से लेसर है बी से भी लेसर है इसलिए कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता ऑलवेज ए सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी क्या होगा थीटा का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा मान लो जीरो भी हो तभी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा इक्वल टू नहीं हो सकता नेवर इक्वल टू लेकिन यह कंडीशन पॉसिबल है कि सी का मैग्नीट्यूड ए से लेसर है सी का मैग्नीट्यूड बी से लेसर है इसलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे हो गया चलो ड कहता है द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वैक्टर एंड बी बी वन ट्वेंटी एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी एंगल बिटवीन नॉन जीरो वैक्टर तो सी का मैग्नीच्यूड यदि हम लोग लिखते हैं के लिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस वन ट्वेंटी कॉस वन ट्वेंटी का वैल्यू कितना माइनस हाफ टू ए बी इंटू माइनस सात टू टू कैंसिल तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया ठीक इसको हम लोग ए बी के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए बी कर दो तो so, ये क्या बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए भी बन गया तो सी का वैल्यू देखो ध्यान से सी का वैल्यू ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो गया कौन सा ऑप्शन थर्ड में एंग थर्ड का ऑप्शन क्या गया ए तो थर्ड सी है ऑप्शन देखो तो क्या है थर्ड का ए माइनस बी माइनस टू ए बी तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी इट्स रिजल्टेंड विल बी सी तो इक्वल टू ए माइनस बी तभी होगा जब प्रोडक्ट जीरो ये पॉसिबल नहीं है चलिए ए पॉसिबल नहीं है सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी और सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी इसका मतलब यहां पर यह कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि बी का डायरेक्शन बी नेगेटिव वेक्टर है बी नेगेटिव है ए माइनस बी कहा किस फॉर्म में आता था इसका मैग्नीच्यूड बताओ अरे देखो ना यहां से भी एक्सप्रेशन से आ रहा है कि ये क्वांटिटी सब हो रहा है बी प्रोडक्ट सपोज एक का मैग्नीच्यूड वन ले लो अब बी का मैग्नीच्यूड टू ले लो तो वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कितने आ गए फाइव और माइनस टू कितना आ गया फ्री आ गया इसका मतलब क्वांटिटी क्या हो रहा है ए बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए उसका वैल्यू क्या होगा लेस देन होगा नॉट ग्रेटर देन यदि यह तभी होगा जब पॉजिटिव वैल्यू होता बी का ए माइनस बी है ए से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है ए से बी ऐड नहीं हो रहा है लो ए और बी का वैल्यून वन वन, वन यूनिट ले लिया तो फर्स्ट क्वांट फर्स्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा जीरो और ये वैल्यू कितना आ गया वन इंटू वन वन तो सी का वैल्यू लेस देन हो जाएगा इसलिए ये कंडीशन क्या होना चाहिए बी ऑप्शन सी नहीं होगा और डी नहीं होगा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वैक्टर्स बहुत सारे वैक्टर्स के एक्स कंपोनेंट बोलो ये रेस कर दो ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वैक्टर्स फोर्थ में एक्स कंपोनेंट लेना है मान लो बहुत सारे वेक्टर ए वेक्टर है ये एंगल थीटा वन बना रहा ठीक बी वेक्टर है, है एंगल थीटा टू बना रहा है सी वेक्टर है एंगल थीटा थ्री बना रहा सबके एक्स कंपोनेंट लो ए का कॉस कंपोनेंट, कॉस थीटा वन फिर बी का ले लो क्या बना बी कॉस थीटा टू सी का ले लो सी कॉस थीटा थ्री सबको ऐड करो अब यहां पर ए एक्स अब इसका मैग्नीच्यूड ले लो एक्स कंपोनेंट ऑफ़ सेवरल वेक्टर्स तो एक्स कंपोनेंट मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स लेस देन इक्वल टू ऑब्वियसली ये ए कॉस हीटा वन बी कॉस हीटा टू सी कॉस हीटा थ्री क्या रिजल्ट देगा बताओ सबको ऐड करोगे तो चेक करो ऑप्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑफ़ एक्स कंपोनेंट वेक्टर सबका एक्स कंपोनेंट ऐड हो रहा है ये ऑप्शन सही मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स स्मॉलर हो सकता है अब आ जाए मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स नहीं होगा मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर्स इक्वल हो सकते हैं इसलिए ए बी एंड डी ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट ठीक अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स मे बी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या पढ़ा था ए क्रॉस बी क्या देता है रिजल्ट ए बी साइन थीटा एन कैप का मैग्नीच्यूड वन तो ये क्या होगा मैग्नीच्यूड मस्ट या इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं लेस देन एन इक्वल टू ए बी क्योंकि थीटा का वैल्यू मे बी जीरो साइन थर्टी डालोगे तो वन बाई टू तो ए बी बाई टू लेस देन एंड इक्वल टू ए बी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इक्वल हो सकता है एक ग्रेटर तो नहीं है तो बी हो सकता है लेस देन हो सकता है और इक्वल टू जीरो जो कि थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री क्लियर तो इस प्रकार से यह अध्याय पूर्णतः समाप्त हो गया कल यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू करेंगे तो पायलट डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाएंगे ठीक है कल से एकदम टाइम पर आओ थोड़ा मान्य तो खैर इसके साथ प्रॉब्लम भी है आदर्श तुम अच्छा दूसरा एक ऑप्शन जस्ट हम बात